नमस्कार, मैं रंजन कुमार अमृत जी अमृत न्यूज़ से आपका स्वागत करता हूं। और अभी पूरे देश में कंप्लीट लॉकडाउन चल रहा है 21 दिनों के लिए, तो अभी आप लोगों की स्थिति क्या है? ये जो अखबार का आप बहुत ही ईमानदार हॉकर हैं पटना के, अपना नाम जरा बताएंगे। लक्ष्मण प्रसाद। क्या इस लॉकडाउन में कैसा चल रहा है आपका बिजनेस? अभी बहुत डाउन चल रहा है, आधा हो गया कम से कम। और ये बात जो लोग कह रहे हैं कि अखबार से भी फैलता है, ये तो एकदम गलत है, ये अफवाह फैला दिया है। तो है, ये अखबार सेंट्रलाइज होके आता है, फिर हम लोग के काउंटर सेंट्रलाइज मारा जाता है हाथ पर, ग्लव्स भी मिला हुआ है, लेकिन अभी भी ग्लव्स है रखे हुए हैं, ग्लव्स मिला हुआ है ना अखबार के प्रेस के द्वारा। लेकिन हम लोग कहाँ को तो समझाते हैं, बोलते हैं, लेकिन बहुत लोग नहीं मान रहे हैं कि हाँ इस तरह का है। तो अखबार में भी रोज़ निकल रहा है, जैसे प्रभात खबर में रोज़ निकलता है कि और भी वैज्ञानिकों के द्वारा प्रमाणित है कि अखबार के द्वारा जो है ये कोरोना वायरस नहीं फैलता है। अखबार में तो आइए रहा है कि डॉक्टर बोल रहे हैं, वैज्ञानिक बोल रहे हैं, केंद्र सरकार हो रहा है चाहे राज्य सरकार, सबको तो बोल रहे हैं कि अखबार में कोरोना नहीं फैलता है या नहीं है, फिर भी लोग नहीं मानने वाले नहीं मान रहे हैं। और आप तो क्या कहता है, घर घर जाते हैं देने के लिए या क्या करते हैं? अभी यहाँ से तो घर जाएंगे ही घर घर बांटने के लिए, नहीं घर बांट रहे हैं, यहाँ पर बांट के आ गए, घर हो जाते हैं। और कुछ छोटे छोटे गाँव जाते हैं, यहाँ हमारे पास आते हैं, जैसे कि अभी हमसे एक ये लिए हैं, ये इनका आने में देर हो गया तो अभी लिए हैं, मतलब आ से आ करके आपसे ले लिया, ले लेते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे अभी कंप्लीट लॉकडाउन है राजधानी पटना में भी, पूरे भारत भर में, तो अभी आपका जो है बहुत सारे ग्राहक जो होंगे घर में अखबार नहीं ले रहे होंगे, और ऐसा भी होगा कि आपका जो बकाया पेमेंट है वो भी बकाया होगा, रुका हुआ है, वो सब रुका हुआ है, और आप जा नहीं रहे हैं, वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं, पैसा नहीं दे, मतलब कि जो बंद कर दिए हैं अखबार अभी कुछ दिन के लिए तक के, उनके पास तो ग्राहक हम नहीं जा रहे हैं, या फिर हेलो ले नहीं रहे हैं किसी वजह से, और कहेंगे डर से नहीं जाते हैं कि चल रहा पेपर, तो पैसा देने के बाद बंद करा देते हैं। जैसे कि एक कस्टमर कल गए हुए थे लाने के लिए, तो बोला गया कि लक्ष्मण जी कल पैसा ले लीजिए इस मंथ का, और कल से नहीं दीजिएगा, लॉकडाउन जब तक ख़त्म नहीं तो नहीं देना है। लेकिन हम बताया तो है कि अखबार में तो आइए रहा है, ठीक है से नहीं जाना है। तो आप ग्राहकों से क्या कहना चाहेंगे, आप कहिए ग्राहक से क्या कहना चाह रहे हैं? ग्राहक से तो प्रचार है, अपने से अभी नहीं आया, उसी से आया नहीं है, उसी तरह नहीं आया, क्या कहना चाहेंगे ग्राहकों, क्योंकि अखबार से नहीं फैलता है कोरोना वायरस, क्या कहना चाहेंगे? कुछ जानकारी है वो, जैसे कि इनको जानकारी है कि इससे नहीं फैलेगा, तो ये हम लोगों ने देखा है, पेपर में देखा है, बहुत जगह एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं कि कोरोना टाइम्स करके उस तरह का पेपर निकाला है, इसीलिए किसी तरह की आपत्ति नहीं होती है पढ़ने में। और चूँकि अभी लॉकडाउन है पूरा, क्योंकि काफ़ी समय रहता है, हम लोग प्राइवेट नौकरी करने वाले आदमी हैं, तो मन नहीं लगता है, कम से कम पेपर हो जाने से 1.5 घंटा लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ लेते हैं, दुनिया भर का समाचार भी मालूम हो जाता है, टोटल चीज़ ना न्यूज़ तो है ही, उसके अलावा जो है कम से कम समय 1-2 घंटा 2.5 घंटा जो हम लोग 4 परिवार हैं, 2 घंटा वो पढ़े 2 घंटा हम पढ़े, इस तरह से हम लोगों का समय किसी तरह से निकल, अकेलापन नहीं लगता, अकेलापन नहीं लगता। अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम हुआ संजय कुमार, संजय कुमार, इसी मोहल्ले में रहते हैं हम, इसी मोहल्ले। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों से मैं ये कहना चाहूँगा कि अखबार ज़रूर खरीदें, पढ़ें, क्योंकि रोजी रोटी इनका है, ये दिन भर तपस्या करते हैं, पूरा जीवन अर्पित है ग्राहकों की सेवा में, अखबार नहीं लेंगे तो इनका घर में चूल्हा कैसे जलेगा, वो घर में जो बच्चे हैं वो क्या खाएंगे, अगर बीमार है तो इलाज कैसे होगा। इसलिए अनुरोध है कि अफवाह पर न जाएं, अखबार ज़रूर खरीदें, पढ़ें और दूसरों को भी पढ़ाएं, इस अफवाह को दूर करें। इस बात का तो बोलते हैं कि हमारा तो यही कि एक रास्ता है, और इससे परिवार चलता है, चलेगा भी, ग्राहकों को बोलते हैं कि आप लीजिए या ग्राहक लीजिए, नहीं लेंगे तो ना मानने वाला बंद कर देते हैं लोग। हम लोग के यहाँ पेपर देने वाला है, इधर नहीं आ रहा है बहुत दिनों से, तो मेरी एवरीडे की आदत है कि सवेरे में आते हैं, वही 10 बजे के लगभग आते हैं और पेपर खरीद के कपड़ों से लेके चले। बहुत बहुत धन्यवाद। का जैसे कि ये उनका नाम
आपका पेमेंट इन्होंने कर दिया? इनके पास घर पर नहीं जाना पड़ता है कभी भी, अभी हम इनके यहाँ घर पर नहीं गए हैं, अपने से आकर के हर मंथ ईमानदारी से आकर दे दिया इन्होंने। ईमानदारी भी है, शुरू से ईमानदारी है, जैसे जैसे हमसे है कि आकर के ही दे जाता है। मीडिया हाउस से भी कुछ करना है आपको? मीडिया वाले आप तो आप प्रचार करने में नहीं, मीडिया हाउस जहाँ से अखबारें छपती हैं उनसे क्या कहेंगे आप? उन लोग तो हम मान ही नहीं रहे हैं, निकालते हैं कुछ एक दो संख्या बच जाता है तो लेते नहीं हैं। ओ नहीं लेते हैं वापसी में, तो ये तो लॉस हुआ आपका। लॉस तो जबकि ये वापसी होना चाहिए, मीडिया हाउस बर्दाश्त भी होता है, एक दो बहुत अर्ली नहीं होता है तो बर्दाश्त भी करना पड़ता है, लेकिन उनको चाहिए कि हम लोग इसी पर आधारित हैं, 2 रुपया गया या 3 रुपया गया तो हमारा चला जाता है, वो किसी की उसमें बचत नहीं है ना, बर्बाद हो जाता है। हम लोग बता रहे हैं लेकिन गौरव जी टाइम से जागरण से बुलाया गया है, लेकिन देखिए समय तो मांगे ना, लेकिन आ नहीं रहे हैं, हकड़ों के बीच में आ नहीं रहे अभी कि बातचीत किया जाए। अच्छा, सरकार की ओर से कोई आपके लिए ये योजना के मगर को, अगर कोई इस तरह से हॉकर का अगर कुछ हो गया, शिकार हो गया, संक्रमित हो गया, तो क्या सरकार कोई है और ये कि आप लोगों को मदद करे कुछ? नहीं, अभी ऐसा उस तरह का संदेश नहीं है ना, तो सरकार की ओर से है ना, मीडिया हाउस की ओर से जो पब्लिशर है अखबार का, कोई कुछ जबकि होना चाहिए। मास्क, ये जो मास्क लगाए हुए हैं बस एक ही मास्क दिया है? नहीं, और मैं बच्चों को भी दिया है, वर्कर को भी दिया है। एक ही ने दिया है एक व्यक्ति को? एक पीस नहीं, कि वर्कर को भी हमारा जो जो वितरण बांट अखबार में है एक ही पीस दिया है? हाँ, एक एक पीस सबको दिया है। ठीक है, मैं क्या कहता है जो साधन है इस वीडियो के माध्यम से मैं ये मीडिया हाउस और सरकार से कहना चाहूँगा, जो हॉकर्स हैं जो कि जिनका समर्पित जीवन है अखबार के बेचने पर ही, उनके कल्याण के भी कुछ काम करें इस लॉकडाउन के दौरान। अगर वो हम लोग बोले हैं क्या कहते हैं, अगर वो कोरोना वायरस के शिकार हो जाते हैं तो उन्हें कम से कम कुछ कल्याण सरकार की ओर से उनकी ओर से उनके लिए होना चाहिए। 2 अप्रैल को दैनिक जागरण वाला के मालिक उनसे आए हुए थे, सो में 4 बजे करीब आए हुए थे, तो बहुत हॉकर मेन हॉकर से उनसे मुलाकात करने के बाद बोला गया कि हम लोग भी बहुत नीचे तबके हैं, कुछ जो राशन जो आप जो बांट रहे हैं जहाँ तहाँ राशन या लंच हो, आप राशन के रूप में कुछ हम लोग को दीजिए। आप लोग के बारे में है विचार कर रहे हैं, मीटिंग चल रही है, हो सकता है दो दिन तीन दिन के बाद हम लोग के भी उपाय करने वाले हैं, वैसा आश्वासन मिला है उधर से, दैनिक जागरण से आश्वासन मिला। केवल दैनिक जागरण? हाँ, दैनिक जागरण से। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।